सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेक्टेड बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाइए। तो दोस्तों ये देखिए विंडोज 10 है, मैं इसको रिबूट करके मैं Ubuntu में चला जाऊंगा क्योंकि मैं डुअल बूट करके रखा हूँ सक्सेसफुली। इसमें आपको करने के लिए देखिए Ubuntu और विंडोज 10 दोनों है, बस आपको कुछ चूज करना है कि इसमें जाना है। इसको करने के लिए थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारा आपको प्रॉब्लम मिल सकता है जैसे कि मुझे भी मिला है। तो इस वीडियो में आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसलिए वीडियो लंबा है लेकिन उसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा विंडोज 10 में यहाँ पे मैनेज में चलता हूँ क्योंकि मुझे एक पार्टीशन बनाना है। ये लोग सब लोग बोलते हैं लेकिन इसके पीछे जो प्रॉब्लम छुपा है वो कोई नहीं बोलता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सी ड्राइव को श्रिंक कर दूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अब मैं लॉजिकल बना के रखा हूँ, ये कारण है इसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको श्रिंक कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे आ जाएगा कितना अमाउंट आप श्रिंक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा रोकना है, ऑब्वियसली ये आ गया आप 57,000, मैं 30,000 श्रिंक कर लेता हूँ और जीरो ओके ये श्रिंक कर लिया मैंने, मतलब 29 GB के आसपास मैंने इसको श्रिंक कर लिया, एक पार्टीशन बना लिया। ये अनएलोकेटेड है मतलब यहाँ पे यहाँ से आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं। और नहीं नहीं नहीं, आपको पेन ड्राइव डालना है क्योंकि आपको उसको बूट करना है। तो उसके लिए आपके पास Ubuntu तो होगा ही, ऑब्वियसली रूबूज खोलना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपको पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे डिवाइसेस में 16 GB का, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इमेज फाइल जो आपका Ubuntu का है वहाँ पे लोड कर देना है Ubuntu ये ओके ओपन कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, सीधा स्टार्ट कर देना है लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड रिक्वायर्ड बोलेगा, मतलब आपको नेट कनेक्शन करना है, बस कुछ KV का फाइल डाउनलोड कर लेगा, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पावर ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा चूज व्हाट द पावर बटन डस, यहाँ पे आपको ये टर्न ऑफ फास्ट स्टार्ट और इसको डिसेबल करना है। चेंज सेटिंग्स में क्लिक करना है तभी आपको ये एक्सेस मिलेगा इसको डिसेबल करने का। ओके सेव चेंजेस ओके, बाकी क्लोज करते हैं। इसको वेंडर डाल दिया, Ubuntu रेडी है। तो चले रिस्टार्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब आपको जाना है आपका बायोस सेटअप, F2 से आता है बेसिकली, मैं F2 दबाया। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डिसेबल करना है लाइक फास्ट बायोस मोड, इसको मैंने डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका बाद में प्रॉब्लम आएगा। और सिक्योर बूट को भी डिसेबल कर दिया हूँ, और OS मोड सिलेक्शन जो है आपको जिसमें विंडोज 10 है ना उसी को रखें। और बूट डिवाइस प्रायोरिटी में पेन ड्राइव को टॉप पे रखना है, ये तो ऑब्वियसली बात है, पेन ड्राइव बूट करना है तो रखना है। F10 दबाइया यस, अगर आपको पोजीशन चेंज करना नहीं आ रहा है F5 F6 से हो जाता है। तो देखिए ये विंडोज Ubuntu आ गया है, यहाँ पे इंस्टॉल Ubuntu कर देता हूँ। ये मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है यार क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऑब्वियसली कंटिन्यू, और अब देखिए आई डोंट वांट टू डू अगेन, अगर आप करना है तो कर लीजिए यार। फिर यहाँ पे मैं इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स इंस्टॉल कंटिन्यू। तो इसमें अफकोर्स UEFI मोड, दोस्तों आपका जो UEFI सिस्टम है ना तो उस पर ही इंस्टॉल करना है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को, तभी आप डिटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे बाकी पार्टीशन को छोड़ो, समथिंग एल्स पे हमें जाना है क्योंकि वही है जो हमें कस्टमाइज करने देगा। कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपका मिल गया, ये देखिए फ्री स्पेस मिल गया। नॉर्मली यहाँ पे एक नंबर वन प्रॉब्लम मिलता है कि आपको अनयूजेबल आ जाता है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको पीछे बताता हूँ कैसे करना होता है। और दोस्तों इस वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं सब कुछ प्रॉब्लम कवर कर रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो ना सब ठीक हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। तो आपको बस ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, अगर आपको ये सही लगा तो यार लाइक जरूर करना। तो इसको मैं कर देता हूँ क्विट। तो अब मैं चलता हूँ अनयूजेबल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको शट डाउन कर देता हूँ क्योंकि हमें जाना है उसमें अपना विंडोज 10 में। तो ये मेरा यहाँ पे आपको पेन ड्राइव निकालना है या तो F2 दबाना है, F2 दबाया मैंने इसको या पेन ड्राइव में निकाल दिया, ठीक है। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, बूट डिवाइस में जाके ये पेन ड्राइव को सेकंड में रख के मतलब हार्ड डिस्क को ऊपर रख सकते हो, ये सेव करके यस कर देना है ओके। तो यहाँ पे मेरा विंडोज 10 फिर से लोड हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक Ubuntu डाला ही नहीं है। तो ये हो गया मेरा लोडिंग ओके एक्सपर्टीज़ बिट्स ओके, ये हो गया लोडेड। तो यहाँ पे माय कंप्यूटर में आपको यहाँ पे मैनेज पे चलते हैं, ठीक है फास्ट मैनेज पे इसको बड़ा कर देते हैं, डिस्क मैनेजमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे अनएलोकेटेड है लेकिन इसको मैंने अगर एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर दूँ ओके नेक्स्ट 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 ओके डन नेक्स्ट फिनिश। अब देखिए ये मेरा एक नया पार्टीशन बन गया ओके फॉर्मेटिंग ओके प्राइमरी पार्टीशन बन गया दोस्तों, यही चाहिए। वहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आपका डायनेमिक पार्टीशन जो लॉजिकल ड्राइव होता है वो अगर आ जाता है ना तो आपको वहाँ पे जो अनयूजेबल आता है वो वाला प्रॉब्लम आता है।
तो से लॉजिकल आपका ये है, यहाँ पे मेरा प्राइमरी के अलावा लॉजिकल है, तो उसको कैसे करना है, इसको मैं फिलहाल तो डिलीट करके रखता हूँ क्योंकि मैं अनएलोकेटेड चाहता हूँ, तो उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर AOMEI पार्टिशन को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दे सकता, लेकिन फेसबुक में मैंने पेज पे पिन करके रखा हूँ हर एक सॉफ्टवेयर का लिंक, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये अनएलोकेटेड 29 GB जो कि लॉजिकल बता रहा है, क्योंकि अभी ये डिलीट करने के बाद लॉजिकल बन गया है, तो उसको प्राइमरी करना है क्योंकि सिस्टम जो कि OS होता है वो प्राइमरी में ही इंस्टॉल होता है, तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे करना ये है कि इसको राइट क्लिक करना है, एडवांस यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू प्राइमरी, लेकिन अभी क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये पार्टीशन ही नहीं है, एक पार्टीशन इसको बना लेते हैं क्रिएट। ओके ओके देखिए हाँ ये ठीक है, और यहाँ पे बाकी सब ठीक है, अप्लाई कर देना है, प्रोसीड कर देना है, यस। तो ये कुछ लोडिंग होगा और ये आपका पार्टीशन बन जाएगा जो कि लॉजिकल होगा दोस्तों, इसको प्राइमरी करना अभी बाकी है, तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल है, तो प्राइमरी करने के लिए मैं इसको देखिए यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन नहीं आता है प्राइमरी का तो इसको कन्वर्ट टू प्राइमरी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है चेक कन्वर्ट टू प्राइमरी कर दिया। अगर आपका नहीं आता ना बाई चांस तो EF कोई भी ड्राइव को आप प्रोसीड ये सब कर देता हूँ मैं, EF कोई भी ड्राइव को आप लॉजिकल बना दो तब इसको प्राइमरी बनाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मेरा हो गया डन, तो ये मुझे ऐसे रहने देते हैं क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ Ubuntu के पार्टीशन मैनेजमेंट पे, तो इसको क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ Ubuntu के इंस्टॉलेशन सिस्टम में। चलिए तो ये मैंने पेन ड्राइव डाल दिया फिर से अंदर, तो यहाँ पे F2 दबाना है आपको, ऑब्वियसली F2 दबाना ही, F2 मतलब F12 जो भी आपका BIOS सेटिंग्स के थ्रू जाता है, बूट डिवाइस प्रायोरिटी ये आपको गूगल पे मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता तो, ये पेन ड्राइव को नंबर 1 पे रखना है दोस्तों, यस। हर एक मदरबोर्ड के ऊपर ये BIOS सेटअप का फंक्शन की अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल Ubuntu करना है श्योर, क्योंकि हमें ट्राई आई नहीं करना है, सीधा इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन में आएगा बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो इंग्लिश कंटिन्यू कर देता हूँ। और वैसे ही पुराना ये सब कहा नहीं करना है, हाँ इंस्टॉल तो करना है मुझे, ये तो आपको पहले ही पता है, ये सब मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ आपको। तो ओके कंटिन्यू इन UEFI मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही मोड पे दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है तभी आपका लोड हो पाएगा, बूट हो पाएगा बाद में दोनों एक साथ। ओके तो ये मेरा लोडिंग हो रहा है, ओके ओके यहाँ पे समथिंग एल्स, ऑब्वियसली मुझे कुछ अपना करना है, अच्छा है यार समथिंग एल्स कुछ अच्छा लगता है, चल जो भी हो। यहाँ पे जो 31,460 वाला है ना ये, तो ये मेरा जो है उसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मैं उसको कुछ करूँगा इसके साथ, ये माइनस पे दबाया मैंने, ये पार्टीशन होने वाला है डिलीट, तो हो जाएगा आपका फ्री स्पेस। तो आपका यहाँ पे जो अनयूजेबल वाला प्रॉब्लम था वो हो गया सॉल्व, यहाँ पे आपको प्राइमरी नया पार्टीशन प्राइमरी, और मैं स्वैप एरिया रखूँगा तो 8192 मतलब 8 GB के आसपास मैं रखूँगा, बेसिकली ये रैम के लिए होता है, ये ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, बस दैट्स इट। और मैंने इसको स्वैप एरिया को बना लिया, ये लोडिंग होगा थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, कोई नहीं ओके। फ्री स्पेस में गया मैंने फिर से प्लस दबाया, यहाँ पे प्राइमरी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यहाँ पे ये मैंने 23,000 नहीं रखूँगा 15,000 रखूँगा जो कि मेरा रूट एक्सेस होगा, एक्सटर्नल फोर्ड इसमें रखना है और ये रूट मतलब ये माउंट पॉइंट स्लैश, ओके ये भी हो जाएगा बन जाएगा ये, ओके ये बन गया। और एक मैं होम के लिए रखूँगा क्योंकि मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगा, कुछ डाउनलोड करूँगा तो उसमें हो जाएगा, प्लस दबाया मैंने जितना रहेगा उसको दबा, इसको एक्सटर्नल फोन में रखते हैं और इसको कर देते हैं स्लैश होम, ओके। तो मैं जब भी कुछ डाउनलोड करूँगा सेव करूँगा तो वो एज अ स्टोरेज हो जाएगा उस, ओके ये सब कुछ डन। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे डिवाइस पर बूट लोडर है ना, ये जिसमें है ना जो आपका हार्ड डिस्क है टोटल उसी पे रखना है दोस्तों, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। लेकिन अब इसके करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आता है, आप अभी वीडियो क्लोज मत करिए क्योंकि जो प्रॉब्लम आने वाला है ना उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ और फिर इसको ये कंटिन्यू करना ही है, ऑप्शन है नहीं। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे लास्ट टाइम, अब पहुँच गए, यहाँ पे मैं इंडिया टाइम कर देता हूँ इंडिया, ऑब्वियसली कंटिन्यू, ओके यहाँ पे इंग्लिश US क्योंकि इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन तो है नहीं, कीबोर्ड तो एक ही टाइप का है मतलब जो भी UK US, ओके नेम बिट्स, अरे ये मेरा निक नेम तो है नहीं, पता नहीं किसने रख लिया, कैसे कंटिन्यू होगा, चलो जो भी है मैंने पासवर्ड 1234 रख लिया, सिंपल कंटिन्यू। अब ये इंस्टॉल होगा, लेकिन इंस्टॉल होते होते आ जाएगा एक एरर, एक्चुअली मुझे फ्यूचर नहीं पता है दोस्तों, ये मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ बाद में वॉइस बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब पता लग रहा है ना दोस्तों, पहले मुझे सब कलेक्ट करना होता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ रिकॉर्डिंग करके। देखिए यहाँ पे
इंस्टॉलिंग, ये देखो ग्रब टू पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भगवान जाने यार, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक जुगाड़ टाइप का सॉल्यूशन है। मैं फिर से आ गया इसमें जो आपका डिवाइस पार्टीशन मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैंने हर एक पार्टीशन को डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप ये तो आप खुद ही आ सकते हो यहाँ तक। फिर डिलीट करके फिर से मैं पार्टीशन बनाऊंगा यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे मैं एक पार्टीशन में चेंजेस करूँगा। पहले तो ये आपका माउंट जो ये है, हाँ जी, इसको ओके कर देता हूँ, ये माउंट तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि मेरा UEFI वाला सिस्टम बूट मोड है तो मैं इसको एक बनाऊंगा, ये फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है चेंज में जाके, क्योंकि वहाँ पे Ubuntu आ रहा था बगल में। ओके, फ्री स्पेस में जाके ये मैं कर दिया 8000 MB, और इसको स्वैप एरिया कर दिया। ओके दोस्तों, अगर आपको स्पीड लगा होगा तो आप स्लो करके देख लीजिए या तो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे सब कुछ कवर करना होता कम टाइम में। यहाँ पे मैं इसको करूँगा, इसको कर देता हूँ EFI सिस्टम पार्टीशन, ये ज़रूरी है इस बार के लिए। इसको 500 MB नहीं, जीरो का या 500 MB रखते हैं, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉल होगा ना बूट, यहाँ पे इंस्टॉल होकर चला जाएगा फिर बूट के अंदर, टेंशन नहीं लेना है। अब इसको मैं कर देता हूँ होम, फिर कर देता हूँ ओके। बाकी आप सब कुछ ऐसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मैं जैसे बोला था वैसे करना है, आगे भी करते रहना है। ओके, इंस्टॉल नाउ कंटिन्यू। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, अब तो हो जाएगा ग्रब इंस्टॉल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब मैंने स्किप कर दिया हूँ क्योंकि आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए रनिंग ग्रब टू इंस्टॉल देव, ये हो रहा है, हो रहा है, मतलब ये हो गया इंस्टॉल, ये सब कुछ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इंस्टॉल होकर जब रिस्टार्ट होगा ना दोस्तों, तब आपके पास ग्रब मेन्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे आ गया, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट का, रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं। अब पेन ड्राइव आपका कोई काम का नहीं है, उसको आप निकाल लीजिए, या तो F2 में जाके बूट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ पे आपका देखिए ग्रब मेन्यू है ही नहीं, विंडोज हो गया गायब, यहाँ पे ओनली Ubuntu लोड हो रहा है, ये क्या मजा आ गया। तो उसके लिए आपको फिर से मैं आया हूँ Ubuntu इंस्टॉलेशन प्रोसेस में दोस्तों, ये सब बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू किया समथिंग एल्स पे, फिर से सब पार्टीशन डिलीट करते रहो, डिलीट करते रहो करते रहो, क्योंकि इस बार आपका हो ही जाएगा, ये हो ही जाएगा। जो ग्रब टू मेनू नहीं आ रहा था, जो इंस्टॉल नहीं हो रहा था ग्रब, सब इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब फ्री स्पेस में जो स्टार्टिंग में रखा था ना, उस टाइप का रखूँगा, मतलब 8000 MB का मैंने या 15000 MB का रख लेते हैं पहले। प्राइमरी पार्टीशन जो माउंट है ये, ओके, ये मेरा पहला पार्टीशन जिसमें आपका Ubuntu इंस्टॉल होगा, आपका मतलब मेरा जो भी हो, चलो जो भी हो। यहाँ पे अगर बगल में सिस्टम में Ubuntu आ गया ना, तो देखिए आ गया, तो उसको फॉर्मेट करना जरूरी है, चेंज में जाना है, फॉर्मेट दिस पार्टीशन ओके, क्योंकि आपका तब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, तो प्लस करना है। फिर मुझे यहाँ पे 8000 MB रख देता हूँ और इसको स्वैप एरिया कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, आपको बहुत ध्यान रखना है, प्राइमरी पार्टीशन ही रखना है सब कुछ दोस्तों, बस आप अच्छे से देखो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब में है नहीं जिसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व, मतलब हालांकि कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब एक भी वीडियो होगा इस टाइप का। तो मैंने एक होम रखा, होम रख दिया इसको, और बाकी आपको ये बन जाओ जल्दी, ये बन गया है जल्दी, ओके बन गया ये। ओके, अब मैं इसको वही रखना है, इंस्टॉल नाउ कर देना है। अब आपको ये सब कंटिन्यू, यहाँ पे आपको नया एक मिलेगा, देखिए एक चीज़ मिला, यहाँ पे एरर मिला, पहले यहाँ पे एरर नहीं मिला था, मतलब इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करना है क्या, मतलब अब सक्सेस होने वाला है। ये सब लक्षण होता है दोस्तों कि आपका सही डायरेक्शन में जा रहा हो। तो ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा दोस्तों। अगर आपको इससे अलावा कुछ और प्रॉब्लम मिले तो यार कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम का भी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगा मैं। बस वीडियो थोड़ा लंबा है इसके लिए सॉरी यार, और मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यार क्या करूँ, नहीं तो वीडियो तो एक घंटा का हो जाएगा। अभी मैं मुश्किल से काट कट करके देखिए इंस्टॉल ना, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन भी अलग है, पहले कंप्लीट कुछ अलग था भी ना, थोड़ा सा अलग था। तो मैं इसको करता हूँ रिस्टार्ट, अब पेन ड्राइव फिर से निकाल देना है, या तो आपको F2 में जाके बूट ऑर्डर चेंज करना है, आपकी मर्जी। F2 मतलब बायोस फीचर्स में दोस्तों, F2 हर एक PC में सेम नहीं होता। मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया, ठीक, अब यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। अब ओके, यहाँ पे ग्रब मेन्यू आ गया ग्रब मेन्यू, लेकिन यहाँ पे विंडोज 10 नहीं है यार, ये क्या बात है। प्रॉब्लम नंबर 4, Ubuntu है विंडोज नहीं है, तो चले उसको लाते हैं। Ubuntu खोलना ज़रूरी है क्योंकि उस अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे आपको सर्च करना है टर्मिनल, जो कि CMD टाइप का नहीं होता है विंडोज़ में, वही है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए आपका विंडोज़ पार्टीशन सही सलामत है कि नहीं। मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में डालता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर नहीं यार, फाइल्स में अदर लोकेशन, यहाँ पे विंडोज़ सी, यहाँ पे विंडोज़ आपको मिल जाएगा, ये तो सही सलामत है। टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है sudo
एस यू डी आई नहीं यार ओ ओके ओ एस डैश प्रोबा, ये आपने देख लिया स्क्रीन से, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मांगे गया तो 1234 मेरा जो पासवर्ड है उसको दबा के एंटर कर देना, आपका भी जो है आप कर लो अपना। देखिए देखिए यहाँ पे विंडोज 10 फाइन हो चुका है, तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। यस, तो अब एक लास्ट स्टेप रह गया कि अपग्रेड बूट को जो है सुडो, यहाँ पे जो ग्रबर है उसको अपडेट कराना है, अपडेट डैश ग्रब ओके एंटर कर दीजिए, यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा और आपका जो ग्रब मेन्यू है उसमें सब कुछ आ जाएगा। आप बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब इसमें सॉल्व हो चुका है। जैसे कि ये जनरेटिंग देखिए फाउंड लिनक्स, ये जो भी फाउंड हो रहा है जितना भी बूट हो सकता है ये फाउंड कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और बाद में ही आने वाला है विंडोज, यहाँ पे आ जाए फाउंड विंडोज आ जाए यार, कमाल हो गया विंडोज 10 फाउंड हो गया यार डेव SD1 में, जिसमें मैंने विंडोज सी ड्राइव इंस्टॉल करके रखा था। ये डन हो चुका है दोस्तों, अब आपको रिबूट करना है और आपका पूरा काम फिनिश। यहाँ पे मैं रिबूट कमांड ही लिख देता हूँ यार, ओके एंटर। तो मेरा सब कुछ डन, यहाँ पे मेरा रिबूट होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा रिबूट हो गया है और मेरे को ग्रब मेनू में दो ऑप्शन मिल गया, उबंटू और विंडोज 10, क्या बात है दोस्तों। यहाँ पे उबंटू भी मिल गया, विंडोज 10 भी मिल गया, बस आप विंडोज 10 में चलते हैं, विंडोज 10 की जिंदा है कि नहीं। तो ये देखिए विंडोज 10 आ गया, यस जिंदा है फाइनली। तो यार मतलब कमाल है ना, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये प्रॉब्लम कहीं नहीं मिला मुझे, मैंने खुद इसको बहुत दिन से सोच रहा था कैसे करूँ कैसे करूँ, दिमाग में आ जाए आज ऐसे करना है कल ऐसे करना है, फिर ऐसे सॉल्व हो ही गया। तो इसको रिस्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं उबंटू में कि वो चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए उबंटू विंडोज 10 आपको जो मर्जी जैसे भी जाना है जहीं पे भी जाना है आप कर सकते हो यार, मुझे बहुत खुशी हुआ यार। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सबका प्रॉब्लम यहाँ पे मिल गया है और आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल गया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना, अगर कुछ भी मन में डाउट हो या नीचे अगर कुछ भी नया प्रॉब्लम आ रहा है ना तो नीचे कमेंट में बताओ यार, और मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियोस और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।